ऑरेंज सिटी के नाम से प्रसिद्ध नागपुर अपने भौगोलिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्व के लिए पूरे देश में विख्यात है। उस पर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने यहाँ जिस तरह वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में तेजी दिखाई है, उससे नागपुर के चहुमुखी विकास में चार चांद लग गए हैं। वर्धा रोड पर मल्टी लेयर्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो या दूसरे अत्याधुनिक फ्लाईओवर और शानदार सड़कें, इनके बाद भी नागपुर को मिलने वाली शानदार सौगातों का सिलसिला थमने वाला नहीं है। उसी क्रम में नागपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के लक्ष्य से एक नई परियोजना मिल रही है आउटर रिंग रोड की। 856.74 करोड़ की लागत से बनी ये आउटर रिंग रोड नागपुर हैदराबाद रोड जंक्शन जामथा से काटोल रोड फेटरी तक को जोड़कर शहर को उत्तर दक्षिण कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। साथ ही हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग के लिए ये फीडर का भी काम करेगी। 33.5 किलोमीटर लंबाई वाली इस रिंग रोड पर 2.25 किलोमीटर लंबाई के 3 फ्लाईओवर, 16 किलोमीटर लंबी सर्विस रोड, 2 प्रमुख पुल और 25 छोटे पुलों के साथ 22 बस बे और शेल्टर शामिल हैं। साथ ही पुलों पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्याधुनिक तकनीक से बने बैम्बू क्रैश बैरियर का इस्तेमाल कई जगहों पर किया गया है। इतना ही नहीं, एक रेलवे ओवरब्रिज का भी निर्माण किया गया है। विकास की तेज रफ्तार की तरह ही 4 लेन वाली इस रिंग रोड पर आप अधिकतम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वाहन चला सकते हैं। महत्वपूर्ण वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, आवासीय क्षेत्रों, बाजारों और औद्योगिक गतिविधियों के कारण अब नागपुर के लिए इनर रिंग रोड और दूसरी सड़कें नाकाफी होने लगी हैं। ऐसे में जनता को ट्रैफिक मुश्किलों से मुक्ति दिलाने के लिए माननीय मंत्री और स्थानीय सांसद श्री गडकरी जी ने आउटर रिंग रोड के प्रस्ताव से इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला है। इससे एक तरफ शहर में सुरक्षित और जाम मुक्त यातायात संभव होगा, तो दूसरी तरफ सड़क दुर्घटनाओं से सुरक्षा के साथ ही समय और ईंधन की बचत होगी। साथ ही प्रदूषण से भी नागपुर और आसपास के लोगों को मुक्ति मिलेगी। इनके अलावा हैदराबाद, जबलपुर, भंडारा, अमरावती और काटोल जाने के लिए हाईवे का सफर सुगम हो जाएगा। श्री गडकरी जी के नेतृत्व में NHAI केवल प्रगति के राजमार्ग ही नहीं बनाता है, बल्कि पर्यावरण की रक्षा के उद्देश्य से जामठा में 10 करोड़ रुपए की लागत से ऑक्सीजन बर्ड पार्क भी तैयार कर रहा है। ये पार्क लगभग 8 हेक्टेयर क्षेत्र में ऑक्सीजन उत्पादन में सक्रिय योगदान कर सकेगा। विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों को समृद्ध आवास देने के अतिरिक्त इस पार्क से जॉगिंग और साइकिलिंग करने वालों को भी फायदा होगा। एक जन नेता के रूप में श्री गडकरी जी की ये सकारात्मक दृष्टि नागपुर को उन अत्याधुनिक सुविधाओं से जोड़ रही है, जिनके कारण ये शहर भारत के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में शुमार हो रहा है।